स्थल। आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज, मैं विवेकानंद जाधव। इन दिनों काफी शोहरत बटोरने में कामयाब हुए सीपीआई के कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी प्रखर वक्ता हैं और खूब सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए और पटना के गांधी मैदान में महती जनसभा को भी उन्होंने संबोधित करके राजनीति गलियारे में नेताओं के बीच अपना लोहा मनवाया। पूरे बिहार का दौरा कर संविधान और देश बचाने का नारा देते रहे, लोगों की हुजूम उनके साथ लगती रही और हुजूम गांधी मैदान तक पहुंच गई। काफी सुर्खियों में रहने के बाद एक बड़ा झटका कन्हैया कुमार को फिर मिला कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। अब कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। मंजूरी मिलते ही कन्हैया कुमार कहते हैं कि सरकार ने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मैंने कभी भी देश के विरोध में या देश के खिलाफ में किसी भी तरह कार्य नहीं किया और ना ही मैंने आवाज उठाया है, लेकिन मुझे चूंकि बिहार में चुनाव होनी है, चुनाव के मद्देनजर मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। मैं इस राजद्रोह के मुकदमा से विचलित नहीं हूं, मुझे कोर्ट पर पूरा आस्था और विश्वास है। दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट से मुझे प्राप्त हो जाएगा। मैं निर्दोष हूं, मेरे ऊपर मनगढ़ंत तरीके से साजिश के तहत फंसाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों कन्हैया कुमार पूरे देश में सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए और चर्चा उनकी आम रही। एनआरसी सीएए एनपीआर पर उन्होंने खुलकर अपने बात को रखा और चारों ओर शोहरत उन्हें मिली, लेकिन अब उन्हें राजद्रोह के मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। वक्त रहते अब राजद्रोह के मामले में उनके साथ कन्हैया कुमार के साथ क्या होता है, वह तो कोर्ट के अंदर का मामला सामने आवेगा। देखना यह है कि फिर आगे की राजनीति क्या होती है। जो भी समाचार प्राप्त होगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।